नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ये बताऊंगा कि जो आने वाली जो भी यूपी में जो वैकेंसीज हैं, जैसे यूपी लेखपाल आ रही है 5200, यूपीएसआई 5623 वैकेंसी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है वो लगभग 50 या 52 हज़ार के करीब जो वैकेंसी आने वाली है। ये तीन वैकेंसीज़ हैं, बाकी कई सारे डिपार्टमेंट्स जब अपनी अपने यहाँ जो रिक्तियों की संख्या है वो आज जो है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखिए कि उसमें बैठक हुई है और उस क्या हुआ है वो एक दो दिन में जो है सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, खास मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, अगर आप यूपी पुलिस की बात करें तो ये जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसमें आपका 5 साल का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन बनता है। अगर आप मान लीजिए कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल है या किसी भी डिपार्टमेंट में, नगर निगम में हो गए, नहर विभाग में हो गए, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मतलब अगर आप मैक्सिमम एज 28 साल है तो लगभग लगभग 8 5 13 33 साल जो है एज उसमें आपकी, 33 साल तक अगर आप एज हैं उसके अंडर अंडर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि देखिए इसमें जो शासन आदेश है वो क्या कहता है। शासन आदेश में ये कहता है कि राज्यधीन सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के आदेश, शासन आदेश अनुसार, शासन आदेश संख्या ये है, ठीक है, ये शासन आदेश संख्या है। इसमें क्या कहा गया है कि 27 अगस्त 2013 के अनुसार अधिकतम आयु में 5 वर्ष छूट प्रदान की जाती है, ठीक है, 5% छूट प्रदान की जाती है। उसके लिए आपको प्रारूप 4 करना पड़ेगा। मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, ठीक है, या फिर नगर निगम में, या फिर आपका नहर विभाग में कोई आपका ग्रुप सी में जो सबसे लोएस्ट जो होता है उसमें है, मान लीजिए वो 2000 पेमेंट की एक सैलरी ले रहा है। अब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का आया फॉर्म, अब उसको भरना है, तो आपको शुरुआत में बस ये करना पड़ेगा कि अपने डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। मतलब जैसे जो भी आपका सीनियर ऑफिसर होता है, जैसे पुलिस में एसएसपी के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इस पेपर में मैं बैठना चाहता हूँ और मुझे बैठने की आज्ञा, वो मुझे बैठने की आज्ञा प्रदान करें, ऐसे ऐसे करके उसमें लिखेगा। वहाँ पर लिस्ट बन जाएगी आपको, आपको कुछ नहीं करना, इतना करके आपकी लिस्ट बन जाएगी और आपको अनुमति, आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ से कन्फर्मेशन आएगा तभी आप बैठोगे, आप पेपर देने चले जाओ आराम से। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट होता है कि आपने उस डिपार्टमेंट में कितने साल नौकरी करी है, कितना टाइम हो गया आपको, वो डीवी ऑब्लिक जब पीएसटी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, जब उस टाइम पे आप पे मांगा जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई 5 साल का रिलैक्सेशन तो तभी मिलेगा आपको जब आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे, पेपर आपने दे दिया, रिटर्न आपने दे दिया, ठीक है। रिटर्न के बाद जब टाइम आता है डीवी ऑब्लिक पीएसटी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑब्लिक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है ऑल यूपीएससी इन्फॉर्मेशन करके, उसमें आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो जब आप उसको कर लेंगे, वहाँ पर आपको एसएसपी की तरफ से एक लेटर अलॉट होता है, लेटर मिलता है आपको, उस पर लिखा रहता है कि आप दिनांक इतने इतने से, और उसका प्रारूप क्या होता है, उसका प्रारूप आपका ये हो जाता है, देखिए ये आपका प्रारूप होता है कि राज्यधीन सेवाओं के अंदर ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं, वेतनमान इतने के पद पर हैं, विभाग में कार्यालय में दिनांक इतने से नियमित सेवारत है, और स्थान ये हस्ताक्षर हो जाते हैं, आपकी कहानी खत्म। ये चीज़ आपको दिखानी पड़ती है वहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर दिखानी पड़ती है, फिर आपको जो एज रिलैक्सेशन है उसमें आपकी काउंटिंग हो जाती है। आप आराम से डीवी ऑब्लिक पीएसटी देके, पीईटी देके, पीईटी के लिए वीडियो बनी हुई है, और वहाँ पर आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा होता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए ये एप्लीकेबल होता है कि आपको, अब मैं इसमें ये बताता हूँ कि मिनिमम कितने साल की नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम जो है आपकी 3 साल की नौकरी होनी चाहिए तभी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप 6 महीने की नौकरी कर रहे हो तो आप उसका फ़ायदा उठा लोगे, नहीं, आपको 3 साल की नौकरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये जो फ़ायदा है, 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, इसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, हम कोशिश करेंगे कि या तो वहीं सॉल्व कर दें या फिर आपका उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बना के आपकी वो सॉल्व करें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।